हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ पैनकेक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसे जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 से 12 पालेजी बिस्किट्स लेंगे और इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें 1/4 कप के करीब ओट्स डालेंगे। यहाँ पे मैंने ओट्स का पाउडर यूज़ करा है। इसी के साथ हम इसमें 1/2 कप पाउडर शुगर डाल देंगे और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और 1/8 टीस्पून के करीब हम बेकिंग सोडा डालेंगे। इन सभी को आप एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और इसे हम साइड पे रख देंगे। अब हम 1/2 कप वार्म मिल्क लेंगे और ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए आपका दूध, ये मीडियम होना चाहिए। और इसमें हम 1 टीस्पून बटर डाल के इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम अपने बैटर में दूध डालेंगे धीरे धीरे करके ताकि एकदम से लम्ब्स ना पड़ जाए। तो इसे आप थोड़ा थोड़ा दूध डालें और इसे मिक्स करें। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल दिया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इसे डाल सकते हो। और इसी तरह से हम दूध, सारा दूध को इसमें हम मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा बैटर बिल्कुल बन के रेडी है। अब बस हमें इसके फटाफट से पैनकेक्स बनाने और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब हम एक पैन या तवा लेंगे और इसमें हम बैटर डालेंगे। तवा को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और बिल्कुल सेंटर में बैटर को डालना है और ये अपने आप स्प्रेड होने लग जाएगा। ये देखिए इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। आपको इसे ड्राई नहीं करना है, जैसे ही इसमें हल्के से बबल्स उठने लगे हम इसे फ्लिप कर देंगे और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। ये देखिए मैंने इसे फ्लिप कर दिया और ये हल्का सा फूलेगा जैसे आप इसे फ्लिप करोगे। और इसे हम 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड पर भी पका लेंगे। ये देखिए अब ये दोनों साइड से अच्छी तरह से कुक हो चुका है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये देखिए हमें सेंटर में एकदम बैटर को डालना है, फ्लेम आपको मीडियम रखनी है और जैसे ही इसमें बबल्स आने लगे हम इसे फ्लिप कर देंगे। हमें इसे बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। ये देखिए कितना अच्छा से ये कुक हुआ है और हल्का सा ये फूलेगा भी सेंटर से। बस हमें इसे ऐसे ही पकाना है दोनों साइड पे और इसे आप सर्व करें चॉकलेट सॉस, मेपल सिरप या हनी के साथ और इन्जॉय करें। और अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी कुकिंग।